होलाष्टक की शुरुआत हो गई है। होलाष्टक होली तक रहेंगे और इन दिनों में शुभ काम वर्जित होते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि इन दिनों में कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे न केवल इन दिनों का दुष्प्रभाव कम हो सके प्रत्येक मनुष्य के लिए, बल्कि कुछ आवश्यक काम जो आपको करने थे वो आप बहुत सहजता से कर पाएं। यही आज के वीडियो में बताने का उद्देश्य है। नमस्कार भक्तों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे, परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं, रेकी हीलिंग करवा सकते हैं, एंजल हीलिंग करवा सकते हैं। आप अपने घर की मिट्टी दिखाकर भी आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। जिनकी कुंडली नहीं है वो प्रश्न कुंडली के द्वारा भी अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं बता रही हूँ बहुत खास बात, होलाष्टक में क्या करें जिससे कि इन दिनों में आई हुई परेशानियाँ दूर हों। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि होलाष्टक में डर क्या रहता है, किन चीज़ों से डर रहता है और क्या करके आपको निकलना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि ये भारी दिन माने गए हैं। जब हम बहुत छोटे थे तो बड़े बूढ़ों से अक्सर सुनते थे कि भाई होलाष्टक चल रहे हैं, बाहर जाओ तो ये सावधानी रखो, ये चीज़ रखो अपने पास में। इसका कारण यह है कि जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं वो इन दिनों में काफ़ी प्रबल होती हैं और वो किसी भी व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर छा जाती हैं। कोई भी मनुष्य जब इस तरह का व्यवहार करे कि मानवीयता को शर्मसार करे तो निश्चित रूप से उसमें नकारात्मक एनर्जी होती है और प्रत्येक मनुष्य को अपने मन की नकारात्मक एनर्जी को समाप्त करना चाहिए। इन दिनों में वायु तत्व के रूप में यत्र तत्र बिखरी हुई रहती है नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं चौराहे पर पैर रख के मत निकलो, चौराहे पर से होकर मत निकलो, साइड से निकलो। ये बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा ये कि मीठा खा के इन दिनों में नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती स्त्रियों को भी सावधानी रखनी चाहिए। कोई लोहे का छोटा सा चाकू एक पेंडेंट के रूप में पहनकर निकल सकते हो या अपने पास में रख कर निकल सकते हो। राई की एक पुड़िया, लोहे की एक कील भी आपकी काफ़ी सहायता करती है। इसके अलावा एक ऐसा पत्थर होता है जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसको बोलते हैं ब्लैक टर्मोलिन, उसको भी अपने पास में आप रख सकते हो। तो होलाष्टक में जब आप बाहर निकलते हो तो आसुरी शक्तियाँ, दुष्प्रवृत्तियाँ आप पर प्रभावी नहीं हो पाती हैं। लेकिन यदि आप इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखना चाहते तो अपना एटीट्यूड अच्छा करो, आप दूसरों के प्रति दया की भावना रखो, धार्मिक आस्था रखो। आप किसी भी धर्म के हैं, धर्म का मतलब किसी का भी अपमान करना नहीं होता है कभी भी। तो अपने धर्म का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर कुछ भी कटाक्ष करो, उल्टा सीधा बोलो, ये धर्म के विपरीत आचरण होता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना और धारण हमेशा अच्छी चीज़ों को किया जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इन दिनों में गरीबों को, भिक्षुकों को, जो कि नीडी पीपुल हैं, ये नहीं कि आपने किसी को दिया और वो खाना भी नहीं खा रहा है, पैसे भी उड़ा रहा है, ऐसे वाले भिक्षुक नहीं, जो वाकई में नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है, उनकी सहायता करो। हर व्यक्ति को आर्थिक सहायता करो। यदि आप संपन्न हो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ भोज्य सामग्री, वस्त्र, ये सब दो। इसके अलावा किसी का भी बुरा मत करो, किसी से भी अपशब्द मत बोलो। ये अपने आप में शब्दों के माध्यम से हिंसा होती है। हिंसा वो नहीं होती कि किसी ने किसी के साथ मारकाट की, शब्द के द्वारा जब व्यंगवाण आपने किसी पर अभद्रता के साथ छोड़े, ये एक बहुत बड़ी हिंसा होती है। तो हमें इसका सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें सबको अच्छा अच्छा शुभ शुभ अच्छे अच्छे वाक्य बोलने चाहिए। तो इन सब बातों का होलाष्टक में ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सुगंधित पदार्थ लगाकर घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप हाथ पैरों में हल्का सा नीम का तेल एक कॉटन में लगा के टच कर सकते हो तो ठीक रहेगा। इसके अलावा अपने पास में आप राई की पुड़िया रखो, वो रख के आप निकल सकते हो। सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करने से भी बड़े बूढ़े अक्सर मना करते हैं। तो होलाष्टक में इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी काम आप करते हो उसमें नियत आपकी अच्छी होनी चाहिए। वैसे जहाँ तक हो गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि ये सब टाले जाते हैं होलाष्टक में, लेकिन कई पंडित लोग गली निकाल लेते हैं, रास्ता भी बताते हैं। लेकिन जहाँ तक है आप शुभ कामों को टालें इस अवधि में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नकारात्मक एनर्जी है वो हमारे मन पर अटैक करती है। हमारे मन पर अटैक करने से मतलब हम किसी काम को अगर कर भी लेते हैं ना, जब कोई मुहूर्त नहीं है, तो वो काम संपूर्णता को इजीली प्राप्त भी नहीं होता है, उसमें काफ़ी विघ्न बाधाएं आती है। तो इसलिए आपको इन सब बातों का होलाष्टक में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय जो बातें मैंने बताई आप उनको फॉलो करेंगे ना, तो किसी भी तरह की परेशानी में काफ़ी हद तक कमी आती है।